जब संसद में आमने सामने आए पीएम मोदी और सोनिया गांधी, दोनों नेताओं का रिएक्शन देख सब हैरान। पिछले कुछ सालों में बीजेपी और कांग्रेस के आपसी संबंध लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का मामला हो या संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी की झड़प का मसला हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष के शीर्ष नेतृत्व के आपसी संबंध भी लगातार तल्ख होते नजर आने लगे हैं। इसी बीच कल संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जो कुछ हुआ वो चर्चा का विषय बन गया। मौका था संसद भवन के सेंट्रल हॉल में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम का। सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ नेता जुटे। इस कार्यक्रम में अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आमना सामना हो गया। लोकसभा अध्यक्ष बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण किया और उसके बाद सोनिया गांधी श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बढ़ी। बापू की तस्वीर पर माल्यार्पण करने के बाद जैसे ही सोनिया गांधी आगे बढ़ी तो उनका आमना सामना लोकसभा अध्यक्ष के बगल में खड़े प्रधानमंत्री मोदी से हो गया। पीएम मोदी ने जैसे ही सोनिया गांधी को देखा, उन्होंने पहल करते हुए नमस्ते की और सोनिया गांधी को अभिवादन किया, तो जवाब में सोनिया गांधी ने भी हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया और आगे जाकर खड़ी हो गई ताकि ग्रुप फोटो ली जा सके। सरकार और विपक्ष के बीच जारी तनातनी चेहरों पर तो नजर आई ही। इसके बाद कई ग्रुप फोटो लिए गए जिसमें दोनों ही नेता खड़े तो नजर आए, लेकिन उनके बीच ना तो कोई आई कॉन्टेक्ट हुआ और ना ही कोई बातचीत। बाद में बेंच पर बैठे रहने के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सोनिया गांधी ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्ते जरूर किया। बिरला, मोदी, राजनाथ और सोनिया के अलावा केंद्रीय मंत्रियों, विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों ने बापू और शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जारी की गई इस फोटो में कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपिंदर हुड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी आपको नजर आ रहे होंगे। इस दौरान पीएम मोदी और सोनिया गांधी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि वो पीएम मोदी की बगल में खड़े राजनाथ सिंह के बिल्कुल बगल में खड़ी हुई थी। सोनिया और पीएम मोदी दोनों ही दूसरी ओर देखते रहे, लेकिन इन दोनों के बीच ना तो कोई बातचीत हुई और ना ही कोई आई कॉन्टेक्ट। हालांकि जब दोनों का एक दूसरे से आमना सामना हुआ तो एक दूसरे को अभिवादन जरूर किया। भले ही कितने ही राजनीतिक द्वेष हो, लेकिन जब आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे को अभिवादन जरूर करते हैं। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने राजघाट स्थित बापू के समाधि स्थल पर भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी थी। इस अवसर पर महा सर्व धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। पीएम मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट में भी कहा था कि गांधी जयंती पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। इस बार गांधी जयंती बहुत खास है क्योंकि भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मेरी कामना है कि हम हमेशा बापू के आदर्शों पर खरे उतरे। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी और सोनिया गांधी का संसद भवन में आमना सामना हुआ, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। तो आप भी इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।